नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo V20 से वर्सेस Vivo Y51 2020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo V20 से में 6.34 इंच जबकि Vivo Y51 2020 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo V20 से में 2.91 इंच जबकि Vivo Y51 2020 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo V20 से में 0.31 इंच जबकि Vivo Y51 2020 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Vivo V20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo V20 से में 171 ग्राम जबकि Vivo Y51 2020 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि Vivo V20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V20 से में AMOLED जबकि Vivo Y51 2020 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo V20 से में 6.44 इंचेस जबकि Vivo Y51 2020 में 6.58 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo V20 से में 1080x2400 और Vivo Y51 2020 में 1080x2408 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo V20 से में 84.04% जबकि Vivo Y51 2020 में 84.75% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo V20 से में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y51 2020 में 401 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo V20 से में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y51 2020 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo V20 से में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y51 2020 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo V20 से में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y51 2020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 11 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 665 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB देखने को मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo V20 से में Android V10 Q जबकि Vivo Y51 2020 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo V20 से में 4100mAh जबकि Vivo Y51 2020 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब
इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो वीवो V20 से की 19,990 रुपीस जबकि वीवो Y51 2020 की 17,990 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में वीवो V20 से आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में वीवो V20 से आगे है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है जो कि 17,599 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy A है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V20 है जो कि 22,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F17 Pro है जो कि 18,390 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।